हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक डिफरेंट स्नैक्स लेकर के आए हैं जो ओरियो बिस्किट और फ्रेश क्रीम से हमने तैयार किया है। आप ओरियो बिस्किट की बजाय बॉरेबोन का ले सकते हैं या कोई भी फ्लेवर्ड बिस्किट ले सकते हैं क्रीम वाला। ओरियो बिस्किट और क्रीम से बने स्नैक्स को हम एज ए डेजर्ट भी काम में ले सकते हैं। आप किसी भी ओकेजन पे इसको आसानी से घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी। मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया है। इस तरह से मैंने सारे बिस्किट की क्रीम अलग कर ली है और बिस्किट अलग कर लिए हैं। अब हम क्रीम को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे ताकि क्रीम मेल्ट हो जाए। एक जिपलॉक का बैग लेंगे, जिपलॉक की थैली या कोई भी किस तरीके का प्लास्टिक का बैग लेंगे, उसमें हम ओरियो बिस्किट डाल देंगे। इस तरह से इनको क्रश कर लेंगे। मैंने बिस्किट एकदम बारीक पीस लिए हैं। क्रीम भी हमने माइक्रोवेव में गरम कर ली है, मेल्ट हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच व्हिप्ड क्रीम ली है। आप फ्रेश क्रीम भी यूज में ले सकते हैं। व्हिप क्रीम मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बेकरी शॉप पे बहुत ही इजी गोइंग में मिल जाती है। आप वहां से परचेज कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसमें हमने बिस्किट क्रश किया है, डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कोन बना लिया है। जिनको मेहंदी का कोन बनाना आता है वो लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो यूज एंड थ्रो मार्केट में भी मिलते हैं। एक मैंने नोजल बना ली है, देखिए मैंने खुद ने ही बनाई है। इस पे मैंने आगे इस तरीके से कट कर दिया है। ये मैंने फॉइल से बनाई है, आप भी जो शेप चाहें उस डिजाइन का फॉइल से बना सकते हैं। इस नोजल को हम इसमें फिट कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें फिट कर दी है नोजल। इस तरह से हम कोन को भर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोन तैयार कर लिया है। अब हम इसको आगे से काट देंगे। आप इस तरह से कप ले सकते हैं, कोई छोटे बाउल ले सकते हैं, जो चाहें आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। इसको हम इससे फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कप को एकदम अच्छे से हमारी कुकीज और क्रीम से मिला करके भर दिया है। थोड़ा सा इस पे क्रश किया हुआ हमने ओरियो बिस्किट भी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पसंद आई है तो अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप ट्राई करें, टेस्ट करें। थैंक यू सो मच।